नमस्कार, मैं प्रिया। आज 3 नवंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज देश भर में मनाई जाएगी छोटी दिवाली। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जदयू के सरसजा जीत का सहरा। हर बड़े घाट पर होगा कोरोना टेस्टिंग सेंटर, ऑन स्पॉट लगेगा टीका। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में सीट वृद्धि प्रस्ताव को मिली मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने स्वीकार की अपनी हार। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज देश भर में मनाई जाएगी छोटी दिवाली। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तारीख को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हर बार नरक चतुर्दशी का पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार पंचांग भेद होने के कारण कई स्थानों पर 3 नवंबर तो कई स्थानों पर 4 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, क्योंकि 3 नवंबर को चतुर्दशी तारीख का वास हो रहा है। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी को लेकर कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके अनुसार इस दिन एक नहीं बल्कि 5 पर्व मनाए जाते हैं और पंचदेवताओं का पूजन किया जाता है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जदयू के सिर सजा जीत का सहरा। बिहार में 2 सीटों पर हुए मतदान के बाद से बीते दिन मतों की गिनती हुई, जिसमें कुशेश्वर स्थान सीट और तारापुर में जदयू को जीत मिली है। जदयू के अमन भूषण हजारी ने कुशेश्वर स्थान सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। बता दें कि सीट पर जदयू के अमन भूषण हजारी विजेता घोषित किए गए हैं। मतगणना के 23वें यानी कि अंतिम राउंड की गिनती में जदयू को 59,882 और राजद को 47,184 मत मिले। बता दें कि कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू की तरफ से अमन भूषण हजारी मैदान में थे, जिन्हें 59,882 और राजद की तरफ से गणेश भारती मैदान में थे, जिन्हें 47,184 मत मिले। इस हिसाब से जदयू के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी को 12,698 वोटों से जीत मिली है। वहीं अगर हम तारापुर विधानसभा की बात करें तो यहां भी जदयू प्रत्याशी को जीत मिली है, जिसके तहत 3,821 मतों के अंतर से राजीव कुमार ने जीत दर्ज की है। आज तक भर सकते हैं मैट्रिक और इंटर का फॉर्म। मैट्रिक और इंटर 2022 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी अगले साल होने वाले परीक्षा का हिस्सा बनने वाले हैं और आपने अब तक मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी करें, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। परीक्षा फॉर्म विद्यार्थियों को उनके शिक्षण संस्थान की तरफ से भरवाया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भरने के लिए इंटर का वेबसाइट inter22.biharboardonline.com और मैट्रिक की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर आज तक फॉर्म भर सकते हैं। पहचान में हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा की। मृदुला सिन्हा एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा की राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। मृदुला सिन्हा भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष भी थी। उन्हें मरणोपरांत भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को भारत में बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले के छपरा धर्मपुर यदु गांव में हुआ था। उनके पिता बाबू छबीले सिंह थे और उनकी माता अनुपा देवी थी। उन्हें छपरा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की थी और बाद में लखीसराय जिले में लड़कियों के लिए एक आवासीय स्कूल बालिका विद्यापीठ में उन्होंने पढ़ाई की थी। महाबोधि मंदिर में नहीं हो सकेगा कोई भी तकनीक का इस्तेमाल। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर अब और ज्यादा सुरक्षित होने वाला है, क्योंकि अब असामाजिक तत्वों के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर में जैमर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से अब परिसर और मंदिर में इन तत्वों के नापाक मंसूबे अब कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे जानमाल की सुरक्षा भी पुख्ता हो जाएगी। साथ ही विशिष्ट और अति विशिष्ट VIP मूवमेंट के समय विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। साथ ही बुलेट प्रूफ मोर्चा बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा की कोशिश हाल ही में आतंकियों की लिस्ट में बोधगया महाबोधि मंदिर के शामिल होने की वजह से की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी साल 2013 और 18 में ज्ञान और शांति की धरती को दहलाने की कोशिश की गई थी। पटना से 10 जोड़ी नई फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए भरेगी सीधी उड़ान। हाल ही में पटना एयरपोर्ट से 10 जोड़ी नई फ्लाइट का परिचालन शुरू हुआ है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत बीते दिन से हो गई है। इसके बाद सूरत की विमान सेवा बंद हो गई है, जिसके बाद अब पटना एयरपोर्ट से स्केड्यूल फ्लाइट्स की संख्या 55 की जगह 65 जोड़ी हो गई है। 30 नवंबर तक ये नया फ्लाइट स्केड्यूल लागू रहेगा। अब एयर इंडिया का बैंगलोर और लखनऊ के लिए नया फ्लाइट शुरू हुआ है, जबकि अमृतसर बंद हो गया है। सब मिलाकर के इसके फ्लाइटों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। स्पाइसजेट की 3 नई फ्लाइट शुरू हो गई है, कुल मिलाकर के उसके फ्लाइटों की संख्या कम हुई है। इसके साथ ही 15 नवंबर से आधी रात की उड़ानें भी बंद हो जाएंगी। संभावित कोहरे को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। प्राइमरी स्कूल में
हेडमास्टर की भर्ती पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की और आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इस बीच किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा है जिसके तहत इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। बिहार के मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर में ऐतिहासिक किला है, यहाँ पर सीता कुंड नामक प्रमुख कुंड है। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में सीता कुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस कुंड का नाम पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि जब राम सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर लाए थे तो उनको अपने आप की पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता ने जिस कुंड में स्नान किया था वो वही कुंड है। मौके पर बेतिया के सीओ के धन कुबेर होने का हुआ खुलासा। इन दिनों लगातार धन कुबेरों के खुलासे होते जा रहे हैं जो सरकार के नाक के नीचे करोड़पति बनने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन धनतेरस के दिन बेतिया के सीओ के लिए शुभ नहीं रहने की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें 2.50 लाख रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने की बात सामने आई है, जिसके बाद ही उन पर जांच होना तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त जानकारी के आधार पर विजिलेंस की टीम अहले सुबह आवास पर पहुंच गई थी। सदर अंचल में स्थापित सीओ श्याम प्रसाद के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। विजिलेंस टीम ने उनके आवास से 1 किलो सोना बरामद किया। हाल के अगर सोने के भाव से यदि इसकी कीमत आंकी जाए तो यह लगभग 47 लाख रुपए के आसपास होगी। इसके अलावा 10.50 लाख कैश और 13 जमीन से जुड़े कागजात भी हाथ लगे हैं। बढ़ा इथेनॉल आपूर्ति का कोटा। बिहार के इथेनॉल आपूर्ति के कोटे को काफी जद्दोजहद के बाद पेट्रोलियम कंपनी ने आखिरकार बढ़ाई दिया। पिछले महीने पेट्रोलियम कंपनी ने इथेनॉल आपूर्ति किए जाने को लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो परिणाम जारी किया था उसमें बिहार को मात्र 18.48 करोड़ लीटर आपूर्ति का ही जिम्मा आवंटन मिला था, जिसके बाद इस खबर का आना बिहार के लिए बड़ी बात है। इसको लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार का कोटा बढ़ाए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरदीप पुरी और पीयूष गोयल से मुलाकात भी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही बिहार में 10 और कंपनियों को इथेनॉल आपूर्ति का जिम्मा मिल गया है। पंजाब में बिहार के छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकालने का निर्णय हुआ वापस। भाजपा के विरोध के बाद बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बाबा फरीद कॉलेज ने बिहार के 4 छात्रों को बॉयज हॉस्टल से बाहर निकालने का निर्णय लिया था। इन छात्रों पर कथित रूप से 24 अक्टूबर को भारत के विरुद्ध हुए T20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत पर कश्मीरी छात्रों के साथ झगड़े के बाद ये कार्रवाई करने की बात कही गई थी। आरोप था कि छात्र हॉस्टल में लाठी लेकर घूम रहे थे। कॉलेज प्रबंधन ने 30 अक्टूबर को चारों छात्र कुमार कार्तिकेय ओझा, आयुष कुमार तिवारी, उज्जवल पांडे, आयुष कुमार जायसवाल को हॉस्टल से बाहर निकालने का आदेश दिया था। इसके बाद कॉलेज ने साफ कर दिया है कि चारों छात्रों को बॉयज हॉस्टल से बाहर निकालने के 30 अक्टूबर को जारी देश को निरस्त किया जा रहा है। हर बड़े घाट पर होगा कोरोना टेस्टिंग सेंटर, ऑन स्पॉट लगेगा टीका। कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ पर्व का आयोजन होने जा रहा है और इस बार श्रद्धालुओं को घाट पर पूजा करने की अनुमति मिली है, जिसके बाद अब हर बड़े घाट पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। घाटों पर टीकाकरण और टेस्टिंग को लेकर हर स्तर पर तैयारी है। घाटों पर स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ टीम होगी जो भीड़ में सर्दी खांसी वालों को डिटेक्ट करने के बाद कोरोना की जांच कराएगी। हालांकि प्रशासन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से साफ अपील किया है कि छठ महापर्व को घर की छत पर ही मनाया जाए। कोविड के कारण तेज प्रवाह को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि घर में सुरक्षा के साथ छठ मनाया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि घाटों पर सुरक्षा को लेकर विशेष अलर्ट है। इसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था बनाने के साथ साथ अप्रोच रोड को लेकर भी तैयारी कर ली गई है। उपचुनाव में जदयू को मिली जीत पर सीएम ने दी बधाई। बीते दिन उपचुनाव के परिणाम की घोषणा हो गई, जिसके तहत दोनों ही सीटों पर जदयू को जीत मिली है। जिसके तहत कुशेश्वर स्थान में जहां जदयू भारी मात्रा से जीती, वहीं तारापुर में बहुत ही कम अंतर के साथ जदयू राजद को हराने में सफल रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दोनों सीट पर जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी, जिसके तहत उन्होंने इस जनादेश के लिए जनता जनार्दन को नमन किया है। सीएम के मुताबिक एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यों का जनता ने समर्थन किया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें जदयू को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस और लोजपा को मुंह की खानी पड़ी है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में सीट वृद्धि प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
राज्य सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के विकास एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिले सीट वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पटना विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों में कुल 515 सीटों की बढ़ोतरी की गई। इनमें पटना साइंस कॉलेज में 60 सीट, पटना कॉलेज में 180 सीट, पटना वुमेन्स कॉलेज में 260 सीट और कला एवं शिल्प महाविद्यालय में 15 सीट की बढ़ोतरी की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 10,200 सीट, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में 3,448 सीट, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के 19 महाविद्यालयों में 4,736 सीट की वृद्धि की गई है, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। दिवाली से पहले बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में इस बार दिवाली और छठ से पहले ही मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह में तेज धूप की तपिश से गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि शाम के बाद से ही ठंडी हवाएं बहने से ठंड का एहसास होने लगता है, जो कि सुबह तक देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक उत्तर बिहार से उत्तर पश्चिम हवा एवं दक्षिण बिहार से पश्चिमी हवा के प्रभाव से पारे में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। वहीं अगर हम बीते दिन की बात करें तो पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों के कुछ भागों में दोपहर बाद थोड़े बादल छाए दिखे, हालांकि बारिश जैसी कोई बात नहीं रही। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार के सभी स्कूल करेंगे अपने खुद का मूल्यांकन। बिहार के लगभग 80,000 सरकारी विद्यालय अब अपना मूल्यांकन खुद करने वाले हैं, जिसके तहत शिक्षण कार्य से लेकर बच्चों के लर्निंग आउटकम पर रिपोर्ट तैयार करने का काम अब स्कूल खुद ही करेंगे, जो कि अब सभी विद्यालय सिद्ध कार्यक्रम के तहत करने वाले हैं, जिसके तहत ही अब वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों को स्व मूल्यांकन डैशबोर्ड तैयार वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद इसकी निगरानी मुख्यालय के स्तर से होगी और फिर जिलेवार विद्यालयों की रैंकिंग का काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्व मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रत्येक कार्य दिवस की 1 नवम्बर से ली जाएगी। प्रतिबंधित दवाओं के कारोबार के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई। बीते दिन प्रतिबंधित दवाओं के कारोबार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में व्यवस्था में चूक होने की बात को स्वीकार किया है। राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र में यह लिखा है कि सभी दोषी दवा निर्माताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने बिहार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और रूल्स 122E का हवाला देते हुए कहा है कि कानून के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने स्वीकार की अपनी हार। बीती शाम बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को जीतने के बाद से ही एक बार फिर जदयू खेमे में खुशी की लहर छा गई, तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष और राजद विधायक ने भी मीडिया के सामने जनता के फैसले का सम्मान किया और अपनी पार्टी की हार स्वीकारी है। इस दौरान परिणाम को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर लास्ट ओवर तक मैच चला। आपको बताते चले कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव इन्हें जीतकर सरकार बनाने तक का दावा कर रहे थे। हालांकि बीती शाम के परिणाम ने सब कुछ साफ कर दिया है और एनडीए से खाली हुई सीट वापस एनडीए के खाते में ही चली गई है। चुनाव से भी पीछे रह गई कांग्रेस। बीते दिन बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें जदयू विजेता रही, वहीं दूसरे नंबर पर राजद पार्टी का बोलबाला रहा। हालांकि इन सबके बीच जहां जानकारों का पूर्वानुमान जदयू को लेकर सही हुआ, वहीं कांग्रेस को भी अपनी सही जगह पता चल गई है, क्योंकि बीते दिन आए परिणाम में प्रचार के दौरान खूब शोरगुल करने वाली कांग्रेस चिराग से भी पीछे रह गई। कुशेश्वर थान और तारापुर में कांग्रेस चिराग पासवान की लोजपा रामविलास से भी पीछे हो गई। आए परिणाम के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तीसरे नंबर पर है। हालांकि इन सबके बीच चिराग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भले ही पार्टी और परिवार में टूट हुई हो, लेकिन बिहार की सियासत में वो गेम चेंजर थे और आगे भी रहेंगे। चिराग की पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पशुपति पारस ने मांगा जवाब। बीते दिन उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती हुई, जिसके तहत दोनों ही सीटों पर जदयू को जीत मिली है। वहीं चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बिहार में बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। इसी बीच चिराग को मिली हार पर चाचा पशुपति पारस ने भी सवाल उठाए हैं, जिसके तहत पहले तो उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में विकास किया है। बिहार की एनडीए सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार भी हर संभव मदद बिहार को कर रही है। इसका नतीजा है कि जनता खुश है और दोनों सीट पर एनडीए को जीत मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से पूछना चाहिए कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों हुआ है।
भाई का दर्द समझ रहे हैं तेज प्रताप। बिहार में दो सीटों पर हुए मतदान के बाद कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी को जीत मिली है, तो वहीं राजद के उम्मीदवार गणेश भारती को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि सीट पर तीसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार अंजू देवी रही, इनको कुल 5,623 मत मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार को 5,602 वोट मिले। इस हिसाब से कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद की हार का ठीकरा पार्टी से जुड़े तीनों लोगों पर फोड़ा है। राजद प्रत्याशी के हारने की खबर आते ही तेज प्रताप यादव पहले तो राबड़ी आवास से गुस्से से निकले और कुशेश्वर स्थान की हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, एमएलसी सुनील सिंह और तेजस्वी के करीबी संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं तेज प्रताप ने कुशेश्वर स्थान की हार पर तेजस्वी यादव के लिए हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। भारत सरकार द्वारा 2000 में डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में अपनी उधारी दरों में 0.5% की कमी की। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का 1936 में निधन आज ही के दिन हुआ था। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का 1947 में निधन आज ही के दिन हुआ था। सिंह की हो रही है मैदान में वापसी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रहे युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने दो खास बातें लिखी हैं। एक तो ये कि वो फरवरी में मैदान में लौटेंगे और दूसरी ये कि अभी टीम इंडिया को फैंस की सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करते हुए युवराज ने लिखा, भगवान आपकी मंजिल तय करते हैं, पब्लिक डिमांड पर मैं पिच पर वापसी करूंगा, उम्मीद करता हूं कि फरवरी में ऐसा होगा। हालांकि आपको बता दें कि उनकी वापसी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि आपके प्यार और शुभकामनाएं के लिए शुक्रिया, मेरे लिए इसके बहुत मायने हैं। भारतीय टीम को सपोर्ट करते रहे, ये हमारी टीम है और सच्चे फैन मुश्किल समय में भी टीम को सपोर्ट करते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,050 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,320 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 113.10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 104.71 रुपए प्रति लीटर थे। ऋतिक रोशन के बाद अब टाइगर के साथ काम करते नजर आएंगे पटना के अमृत। किलकारी के बाल कलाकार एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार है। सुपर 30 में ऋतिक रोशन के साथ अभिनय का लोहा मनवाने के बाद किलकारी के नाट्य विधा के छात्र अमृतराज गणपत में अपने अभिनय का जलवा बिखेरते नजर आएंगे, जहां वो टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सानन के साथ अभिनय करेंगे। फिल्म की शूटिंग के लिए अमृतराज 13 दिनों तक लंदन में रहेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था प्रोडक्शन की तरफ से की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये फिल्म 23 दिसंबर को रिलीज होगी। खबरों की माने तो टाइगर श्रॉफ का कहना है कि यह सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म उनके लिए है। इसमें एक्शन का नया फ्लेवर देखने को मिलने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, गौतम कुमार, विजय घायल, खानसर, ओमकार सिंह, दिव्यांशु कुमारी, रूपम कुमार, शंकर मुखिया, कुंदन राजा, रविन्द्र पासवान, माही आनंद, शिव शंकर, भूषण कुमार, राजेश कुमार, अनिल यादव, कुणाल कुमार, विनोद प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजद को मिली हार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।